तो ऐसे उनको कुछ हिल्टे टाइप लगाऊंगा, लेवल था पहले मिट्टी का लेवल था, मैं उनको बराबर। हिल्टे लगा तो हाँ उन्होंने जी, देखे खुदाई करके, हाँ। तो वहाँ मूर्ति प्रकट हुई। वैसे अभी पितृपक्ष चालू है। सो हाय गाइस, माय नेम इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपुर शहर के समता नगर में, जहाँ देवी माँ की एक अद्भुत मूर्ति निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली है कि नागपुर के समता नगर में जमीन के अंदर से देवी माँ की मूर्ति निकली है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको वही पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ, और जो देवी माँ वहाँ पर निकली है वहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। अभी तो मैं आ चुका हूँ समता नगर में, और आप देख सकते हो इस साइड में देवी माँ को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या हिस्ट्री है, हम जानते हैं और लोगों से पूछते हैं यहाँ पे कि देवी माँ कैसी क्या मिली उनको, और ज़मीन के अंदर जो खुदाई चल रही थी यानी कल रात को निकली, बट मुझे भी उसके बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे और साक्षात जो देवी माँ निकली है उनके भी दर्शन करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देवी माँ को देखने के लिए लोग कितने दूर दूर से आए हैं, और यहाँ पे भीड़ देखिए, यहाँ पे देखिए पुलिस का डग्गा भी आया है जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको देवी माँ के दर्शन कराता हूँ। पहले पब्लिक देखिए, यहाँ पे कितनी सारी पब्लिक आई है, तो बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए, वो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको देखना है। सो ये देखिए, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। सो गाइज ये देख सकते हो, अभी यहाँ पे लाल कलर का यानी कपड़ा डाला गया है, तो मैं क्लियर मूर्ति आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और देख सकते हो लोगों ने यहाँ पे कुछ पैसे वैसे भी दिए हैं, क्योंकि इस जगह मंदिर की स्थापना होना चाहिए करके। तो पब्लिक तो बहुत ज़्यादा है, तो इधर से भी आजू बाजू से मैं इंफॉर्मेशन लूँगा, और साथ ही साथ आपको बता दूँ। गाइज ये देखिए, मैं अभी मोबाइल ऊपर उठाता हूँ, तो ये जाली यहाँ पे लगाई गई है और ये जाली से मैं शूट ले रहा हूँ। ये देखिए जाली के अंदर से शूट लगाई गई है, सॉरी जाली के अंदर से मैं शूट ले रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे देखने के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा लगी है कि, और काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। मुझे ही कल रात को पता हुआ था, क्योंकि मैं बाजू में ही रहता हूँ, तो मुझे कल रात को ही पता हुआ था। और अभी आप देख सकते हो इस समय भी सुबह के 8 बज चुके हैं, और 8 बजे कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलती है। तो हम अंदर भी जाके देखेंगे, पहले इंफॉर्मेशन ले लेते, किसी से परमिशन ले लेते, फिर अंदर जाके हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगी गई है, और मीडिया वाले भी आई है अभी सुबेरे, और देखने के लिए आप देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आ रही है, और लोग आती ही जा रही है। अनुमान है कि अभी जो जब दोपहर का समय होगा तो इससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि गाइस क्या है अभी बहुत से लोगों को पता नहीं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है, और साथ ही साथ मीडिया वाले भी आ चुकी है इस फुटेज को कवर करने के लिए और देवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो मेरे बैक साइड में देख सकते हो वहाँ से कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे से दर्शन हो पाए, और हम अंदर जाके भी देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो मूर्ति है ज़मीन से निकली है, अभी इसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा डाला गया है, और आप देख सकते हो कई सारे लोग यहाँ पे पैसे भी डाल रहे हैं। तो देखिए पूरा मूर्ति का स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आधी मूर्ति तो ज़मीन के अंदर ही है, और यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा भी रखा गया है। मैं आपको पूरा क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये पूरी जाली लगी है, और इतने सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, और मैं यहाँ से आपको जाली के अंदर से आपको आप देख पा रहे हो। तो ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और आप बताना आपकी राय क्या है। सो अभी किस देवी की मूर्ति है तो ये मुझे भी नहीं पता। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया, यहाँ पे यानी वो जाली लगाई गई है, और सुबेरे से यहाँ पे देखने के लिए इतनी ज़्यादा पब्लिक है। तो इन भैया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया आप जल्दी आओ और सभी लोगों को देवी माँ के दर्शन कराओ। तो भैया आपको कैसे पता चला?
मुझे तो इंस्टाग्राम की वजह से मालूम पड़ा है, कोई इंस्टाग्राम मालूम है कि अपन सबसे पहले न्यूज़ देते हैं बराबर दोस्तों का ऐसा अभी हर जनरेशन के हिसाब से अभी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो भैया को सोशल नेटवर्क से पता चला। वैसे हम यूट्यूब का अपना खुद का ही ग्रुप है तो अपने को सबसे पहले वो सब मालूम पड़ जाता है बराबर है। तो पुरातत्व विभाग आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ की मूर्ति है ना, हम कुछ बोल नहीं सकते नहीं बोल सकते। तो अभी फिलहाल ये कंफर्म होने की है कि कौन सी यानी मूर्ति है और कौन सी देवी माँ की मूर्ति है, क्योंकि आज ही तो अभी वो जमीन के अंदर ही है, सिर्फ ऊपर से यानी अभी मूर्ति का सर आया है, जैसे कि आप मैंने आपको वीडियो में पूरी दिखा दिया हो। तो अभी जानते हैं कि इस मूर्ति को सबसे पहले किसने देखा और जो भी कुछ है सब जानते हैं। शाम में 6:30 बजे था कुछ, यानी ये घर वालों जो थे उनका थोड़ा काम चालू था, तो ऐसे उनको कुछ हिलते टाइप लगा, उनका लेवल था पहले मिट्टी का लेवल था, हिलते हुए लगा तो उन्होंने देखे खुदाई करके, तो वहाँ मूर्ति प्रकट हुई। वैसे अभी पितृपक्ष चालू है, हाँ, तो मूर्ति बाहर आती नहीं है, हाँ। पितृपक्ष खत्म होता माता स्वयं प्रकट होने वाली थी, बट पहले ही अगर खुदाई में लोगों ने देख के माता को प्रकट कर दिया तो माता पितृपक्ष स्वयं रूप में ऊपर आके दर्शन दिए होते माता ने। तो अभी नवरात्र ज्यादा दूर नहीं है, नवरात्र बाकी है सर, नवरात्र में माता प्रकट होना ही था। तो आप देख सकते हो गाइस इस साइड में इतनी सारी भीड़ आई है, और देखिए न्यूज चैनल वाले भी आई है और दूर दूर से यहाँ पे अभी लोग आ ही रहे हैं, और नागपुर के पूरे ब्लॉगर अभी आपको यहाँ पे दिन भर में देखने को मिलेंगे, सभी कवर करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो तो मैं आपको फ्रंट से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आधी मूर्ति जमीन के अंदर ही है और आधा यानी सिर बाहर आ चुका है। तो ये देखिए जितना हो सके मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे देखने के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, और अभी सुबेरे का ही टाइम है और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, तो जिनको धीरे धीरे पता हो रहा है तो वो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे। सो दोस्तों आप देख पा रहे हो तो यहाँ से लोगों का आना जाना अभी बहुत ही बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो चुका है, और देखिए मूर्ति को देखने के लिए अभी से कितनी ही ज़्यादा यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे पुलिस फोर्स भी आ गई है और काफ़ी बड़े पैमाने में आई है, और इस साइड से मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग आना स्टार्ट है, वहाँ पे पुलिसों का डब्बा भी है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए तो दोस्तों उम्मीद है गाइज मैंने आपको यहाँ का पूरा एरिया दिखाया होगा, और जहाँ से मूर्ति दिखाया वहाँ पे भी मैंने आपको दर्शन करा दिया। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।